भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तहारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। Thank you.
Oh, Sri Radhe.
कट जाए सबरी व्याधा, वो मिट जाएगी सबरी व्याधा, मिट जाएगी सबरी व्याधा, मिट जाएगी सबरी व्याधा। श्री राधे महेशो भरतरस्व मृतेर भरतरे दुभार्ते यतु इसमह प्रतितो ग्रहान। श्री सुखदेव जी महाराज के राजा और यम जरा सिंधया दुखते वेदया चक्रतो सर्वमात्मे वेद विकारणम। जरासंध के पास जाकर के कहा, हे पिताश्री देखो, हमें कृष्ण ने विधवा बना दिया, हमारे स्वामी को मार दिया, सब कारण अष्टि प्राप्ति ने जरासंध से जाकर के कहा। तब जरासंध 23 अक्षौणी सेना को लेकर के मथुरा पर आक्रमण करते हैं। श्याम सुंदर ने उनसे युद्ध किया, कृष्ण बलदाऊ ने। दो रथ स्वर्ग से आते हैं, उन दोनों रथों में बैठ करके कृष्ण और बलदाऊ ने जरासंध की सेना का संहार किया। और जरासंध को जैसे ही मारने के लिए बलराम तैयार हुए, कृष्ण ने रोक दिया और कहा, दाऊ इन्हें मारना नहीं है, केवल इनको छोड़ देना है। श्याम सुंदर ने पूरी सेना का संहार कर जरासंध को अपने हाल पर छोड़ दिया। योद्धा को एक जीवन दान देना उसके लिए अपमान है। जरासंध सेना कितनी लेकर के आया, अकेला रह गया, उसका रथ सब कुछ छीन लिया, बिना शस्त्र के उसे छोड़ दिया अपने हाल पर और कहा, जरासंध तू अपने आप को बलशाली मानता था, आज देख तेरे साथ कोई नहीं है, तेरी सेना सब मारे गए, तू बिना शस्त्र के रह गया और तू हमारी दया पर जीवित है। जरासंध का अपमान किया, वो चला गया। जंगल में पहुंचा, उनके मित्र आए, मित्रों ने समझाया जरासंध, जीत हार तो होती ही रहती है,
कभी किसी का समय अच्छा रहता है तो कभी किसी का बुरा आता है। आज कृष्ण का अच्छा दिन है, हमारा बुरा है। कभी ना कभी तो हमारा दिन अच्छा आएगा। अपने मनोबल को कभी नहीं गिराना चाहिए। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई करी, 17 बार पराजित हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन हर जीवन जीव के जीवन में 17 बार इतनी कठिनाइयां आती हैं। जरासंध मानो कमजोरी, जरा माने कमजोरी बुढ़ापा। मनुष्य के जीवन में 17 बार आती हैं और अगर वो भगवान की कृपा से बच जाता है 18वीं बार तो वो हार जाता है। नारद जी ने एक कालियावन नाम का मलेच्छ था, वो जरासंध का मित्र था। नारद जी ने वहां जाकर के कहा, हे कालियावन, तेरा मित्र जरासंध 17 बार कृष्ण से हार गया और उसका कितना बड़ा अपमान किया गया और तुम यहां बैठे। कालियावन ने सुना तो उसने कहा, तो ठीक है मैं अभी जाता हूं। इधर 17 बार उसको पराजित किया, 18वीं बार जरासंध तैयारी में लगा है। उधर श्याम सुंदर ने विश्वकर्मा को बुला करके और एक पुरी का निर्माण करवाया, द्वारकापुरी का निर्माण करवाया समुद्र में बीचों बीच। जैसे ही कालियावन युद्ध के लिए आता है और मथुरा को चारों ओर से घेर लेता है, श्याम सुंदर अकेले ही आकर के नगर से बाहर निकलते हैं। कालियावन ने जैसे नारद जी ने बताया था वैसे ही चिन्ह जो बताए, पहचान बताई, उसी के अनुसार उसे पहचान लिया। और कालियावन ने कहा, हे कृष्ण, तू मुझे मुझसे डर करके अकेला आ गया, अरे तू अपनी सेना को क्यों नहीं लाया, मुझसे युद्ध कर, आज मैं तुझे इस रणभूमि में मार दूंगा, आज तू मुझसे नहीं बच सकता। श्याम सुंदर ने कहा, कालियावन मैं सेना सजा करके लाऊंगा, तुम भी अपनी सेना सजा करके लाओ, लाए हो, हमारे तुम्हारे युद्ध में बेचारी दोनों सेना मारी जाएंगे, हार जीत तो केवल हमारे तुम्हारे ऊपर निर्भर है, बेचारी इस जनता को क्यों मरवाते हो, तुम्हारा हमारा दोनों का युद्ध हो जाए, तुम हार जाओगे या मैं हार जाऊंगा। कालियावन ने कहा, तो ठीक है, सबको सेना को रोक दिया। कालियावन उतर के आए और कहा, चलो हो जाए दो दो हाथ। श्याम सुंदर ने कहा, कालियावन यहां मैं लड़ूंगा, अगर मैं जीता तुम हारे तो तुम्हारी सेना मुझ पर आक्रमण कर देगी, इसलिए चलो दोनों कहीं दूर जाकर के लड़ेंगे। ऐसा वचन दे करके और दूर के लिए जाते हैं। कालियावन ने कहा, कृष्ण अब तो बहुत दूर निकले आए, अब तो रुक जाओ। जैसे ही रुकने को कहा, श्याम सुंदर भागने लगे। कालियावन उनके पीछे भागने लगा और कहने लगा, कृष्ण अब तू मुझसे नहीं बच सकता, अपना पीतांबर उड़ाते उड़ाते और कहा, कालियावन मेरे पीतांबर को पकड़ लो और बस वही युद्ध आरंभ हो जाएगा। कालियावन एकदम दौड़ लगाता है, मानो अब की मैंने पीतांबर पकड़ा, फिर थोड़ी कमी रह जाती
फिर उछल के फिर पकड़ता, फिर कमी रह जाती। जीवन में मनुष्य ऐसे ही सोचता है कि बस मैंने अब की सफलता प्राप्त की, अब की सफलता प्राप्त की। परंतु जो ईमानदारी के मार्ग पर नहीं है, उसे वो सफलता आगे आने पर भी चली जाती है। श्याम सुंदर उसे लेकर के बहुत दूर चले आए, मथुरा से आगरा, धौलपुर, मचकुंद की पहाड़िया पर आकर के एक कंदरा में आकर के घुस गए। श्री शुभोवाचय सहेच्छवाग कुले जातो मान्य धाता त्रतनयो महान मचकुंदो यति ख्यातो ब्रह्मण्य सत्य संगर। मान्य धाता का पुत्र मचकुंद उस कंदरा में निंद्रा में शयन कर रहा था। वहां श्याम सुंदर ने अपना पीतांबर उसके ऊपर डाल करके वो अंदर चले जाते हैं। मचकुंद को अपना पीतांबर उड़ा करके आगे गए, कालियावर पीछे से आया और कहने लगा, हे कृष्ण उठो मुझसे युद्ध करो। तुम ये चाहते हो कि मैं अब सो रहा हूं, सोते को मारते नहीं है। सोने वाले को मारना, सोते में मारने पर बहुत बड़ा पाप लगता है। मैं ये पाप नहीं लेना चाहता, उठो खड़े हो जाओ और मुझसे युद्ध करो। बहुत आवाज दी, कई एक बार कहा, जब कोई नहीं उठा तो कालियावन ने एक लात मारी, चढ़ प्रहार किया। जैसे ही मचकुंद की निंद्रा भंग हुई, उन्होंने अपने नेत्रों से देखा, कालियावन जल करके भस्म हो गया। श्याम सुंदर निकल करके आए और मचकुंड ने देखा कि आप कौन है। तब भगवान ने कहा, चतुर्भुजम रोचमानं भेजन्ते च मालायां चारु प्रसन्न वदनं स्फुरन् मकर कुंडलमः। श्याम सुंदर ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। मचकुंद ने भगवान की स्तुति करी और कहा, प्रभु ये कौन था। तब श्याम सुंदर ने कहा, ये कालियावन एक यवन था, मलेच्छ था, वो आपके हाथ से ही इसका प्रारब्ध था, मरना था। अस्त्र शस्त्र से और वो किसी के द्वारा नहीं मारा जाता था। और मचकुंद ने कहा, प्रभु अब आप ये बताएं कि अब कौन सा युग चल रहा है। तब श्याम सुंदर ने कहा, अब द्वापर का अंत चल रहा है, कलयुग आने वाला है। तब मचकुंद गंधमादन पर पर्वत पर चले जाते हैं तपस्या के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करके। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जब कालियावर मर गया, उनकी पूरी सेना को जितने उनके साथ थे सब श्याम सुंदर ने सबको लूट लिया और सब द्वारका के लिए भेज दिया। जितने मथुरा में उनके परिवार वाले जितने थे सबको द्वारकापुरी में भेज दिया योग माया के द्वारा। और जरासंध 18वीं बार आता है, जब युद्ध के लिए कृष्ण भगवान और बलराम दोनों जरासंध से युद्ध करने के लिए आते हैं। और जैसे ही जरासंध युद्ध के लिए तैयार होता है और श्याम सुंदर भाग खड़े होते हैं, जरासंध कहने लगे, कृष्ण मैं तुझसे 17 बार हारा हूं, 18वीं बार आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मेरा समय सही है। श्याम सुंदर भागे और जरासंध पीछे भागे। जरासंध कहने लगे, रणछोड़ अब काय को भगता है। श्याम सुंदर ने कहा, हे जरासंध मेरे शस्त्र नामों में एक नाम रणछोड़ भी होगा,
जो आपने दिया है। प्रद्रुत्यं दूरं संक्रांतो तुंगमारं हताग्रयं प्रवसनाख्यायं भगवानं नित्यदाय त्रवर्षति। श्याम सुंदर एक पर्वत पर जाकर के चढ़ गए। कृष्ण बलराम दोनों उस पर्वत पर जाकर चढ़े। जरासंध ने चारों ओर से उसे घेर करके सेना से कहा इसमें आग लगा दो। चारों ओर से आग लगाई। कृष्ण बलदेव दोनों आकाश मार्ग से उड़ करके और द्वारकापुरी में चले गए। जरासंध ने सोचा कि पर्वत के साथ में वे दोनों जल करके भस्म हो गए। जरासंध वापस आता है। श्याम सुंदर बलदाऊ दोनों द्वारका पहुंचते हैं। पूरी उनकी मथुरा की जो जनता थी पूरे परिवार को सब को योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन अब द्वारकापुरी में आराम से रहने लगे। अब उनके विवाहों की बारी आती है। तब श्याम सुंदर ने विचार किया कि अपने विवाह से पहले बड़े भाई का विवाह होना जरूरी है। आर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्मणां चेदति प्रदादम बलायेति पुरोदितम। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन वासुदेव स्वयं लक्ष्मी के अंश से विदर्भ में उत्पन्न भीष्मक की पुत्री कन्या उसके विवाह से पहले बलदेव का विवाह रेवत नाम के राजा थे उनकी कन्या रेवती थी और उनके बर के खोजने में उन्हें बहुत समय व्यतीत हुआ। तब उन्होंने विचार किया कि लड़की के प्रति कोई बर ही नहीं मिल रहा इसलिए उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी से जाकर के ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंचे कि ब्रह्मा जी से ही इन्हें पूछेंगे कि इनके लिए कौन वर चुना है कौन नहीं चुना। ब्रह्मलोक में गए वहां कोई चर्चा चल रही। उन्होंने देखा कि ये चर्चा समाप्त हो जाएगी तब हम पूछेंगे। थोड़े से समय के बाद में जब चर्चा समाप्त हुई तब रेवत ने कहा ब्रह्मदेव मेरी बेटी रेवती है इसके लिए कोई आपने वर चुना है या नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा पहले जब आए तब क्यों नहीं कहा। रेवत ने कहा मैं अभी तो आया। ब्रह्मा जी ने कहा इतने देर में इतने समय में धरती पर तो युग बीत गए अब तक तो नहीं था परंतु अब चले जाओ द्वारकापुरी में बलदेव हैं उनके साथ में इनका विवाह है। और रेवत आया अपनी पुत्री को द्वारका में लेकर के। श्याम सुंदर ने कहा दाऊ चलो बाहर चलते हैं। और जैसे ही रेवती रेवत को देखा श्याम सुंदर ने कहा दाऊ ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है। बहुत लंबी थी। दाऊ ने अपना हल लेकर के उनके सर पर रखा और अपने योग्य समान उनको हल्का बनाया। यो कुरत है बेधर भीष्मकं सुताश्रयो मात्रायं स्वयं वरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा जब विदर्भ देश में भीष्मक नाम के राजा थे उनकी कन्या रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई और उनका भाई था रुक्मी वो शिशुपाल के लिए विवाह करना चाहता था और सब कृष्ण के साथ में चाहते थे। एक बार रुक्मिणी को
नारद जी ने आकर के बताया, भगवान ऐसे हैं, प्रभु ऐसे हैं, परमात्मा की विशेषताएं सुनाई, उनके गुण सुनाए। तभी से रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर के ही गुण गाती थी और कहती थी कि मैं उन्हीं को अपने पति बनाऊंगी। जब विवाह का समय आया तब शिशुपाल को पत्र भेजा रुक्मिणी ने, वो बारात लेकर के आते हैं। और इधर रुक्मिणी अपने श्याम सुंदर के लिए पत्र लिखती हैं कि पाती लिख दीनी हो मोहन हमें लिबाएले जइयो, पाती लिख दीनी अम्मा हमें लिबाएले जइयो, पाती लिख दीनी मोहन हमें लिबाएले जइयो, पाती लिख दीनी मोहन हमें लिबाएले और ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस पत्रिका को लेकर के द्वारका जाएं और शीघ्रता से जाएं, ऐसा नहीं कि विलंब हो जाए। अगर विलंब हुआ तो आप समझते हैं कि मेरा क्या होगा। इधर चंदेले के राजा दमघोष अपने पुत्र को सजा करके, शिशुपाल को दूल्हा बना करके, बारात लेकर के विदर्भ भीष्मक के यहाँ आते हैं। उनका स्वागत सत्कार होता है। ब्राह्मण देवता जल्दी से द्वारकापुरी को जाते हैं, श्याम सुंदर को वो पाती देते हैं। द्वारका में भगवान श्याम सुंदर ने ब्राह्मण का स्वागत किया, सत्कार किया और उन्होंने रथ सजा करके शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक नाम के चार घोड़ों को रथ में जोत करके और जैसे चलने के लिए तैयार हुए, बलदाऊ ने कहा, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कहा, दाऊ मैं द्वारका जा रहा हूँ। क्यों? वहां रुक्मिणी के साथ में अन्याय हो रहा है, रुक्मिणी की बिना इच्छा के उसके साथ में विवाह किया जा रहा है। अब बताओ, जिसको लड़की पसंद ही नहीं करती उसके साथ में जीवन कैसे बिताएगा? जिसको वो चाहते ही नहीं है उसके साथ में जीवन कैसे बिताएंगे और कैसे वो प्रसन्न रह सकते हैं? इसलिए उन्होंने मुझे मदद के लिए बुलाया है, मैं जाता हूं। बलदाऊ ने कहा, तो मैं भी तो चलूंगा। श्याम सुंदर ने कहा, भैया तुम बाद में आते रहना, मैं चलता हूं।
बलदाऊ भी अपनी सेना साथ में लेकर के और श्याम सुंदर के पीछे पीछे आते हैं और नगर में आए। भीष्मक के यहाँ दोनों आए। भीष्मक राजा ने वहां सभी विवाह का प्रोग्राम था तो इधर उधर से सभी रिश्तेदार आते हैं, उनका सबका स्वागत करते हैं। कृष्ण बलदेव का भी राजा भीष्मक ने स्वागत किया। मधुपर कम पायनियम बसाम से बिरजाम से जय उपायनान वेष्टानी विदेवतम समपूजयत। भीष्मक ने दोनों कृष्ण और बलदेव का मद परक ला करके आगे घर सुंदर वस्त्र और अनेक प्रकार की भेंट दे करके विधि पूर्वक राजा भीष्मक श्री कृष्ण बलदेव की पूजा करते हैं और आराम से विवाह में रहते हैं। रुक्मिणी ने पत्र में सब कुछ लिख दिया कि हे गोविंद, विवाह में हमें कोई मौका अवसर ना मिलेगा, परंतु हम हमारी यह परंपरा है देवी की पूजा करने के लिए। मैं जब देवी की पूजा करने के लिए मंदिर में जाऊं तो वहां से आप मुझे ले जाना। रुक्मिणी अपना पूजा की थाली सजा करके तैयार होती है और शिष्यपाल ने सब अपने साथियों को लेकर के और सबको होशियार कर दिया कि सब होशियार रहे, तुम्हें पता है कि वो कृष्ण चलिया है, वो आ गया है, वो कुछ न कुछ कर सकता है। रुक्मी ने कहा, हे रुक्मणी कहाँ जा रही हो? तब कहा, भैया मैं देवी का पूजन करने के लिए जाए, क्योंकि अपनी यह परंपरा है ना, शादी से पहले कन्या देवी का पूजन करती है। तो दास दासियों को, ब्राह्मणों को, सैनिकों को उनके साथ में भेज दिया। गायं तस्यं सुततस्य गायिका वादिवादका परिवार्यं वधू जगमगुं सूतमागद वंदे जनः। सबको उनके साथ में भेज दिया और मंदिर पर जाते हैं। जैसे ही रुक्मिणी मैया की पूजा की और उन्होंने वरदान मांगा, हे माँ मेरी मनोकामना को पूरा करना और मेरी आपसे जो इच्छा है, मेरे मन में जो बसा है। ताम राज कन्यायां रथबारो रोचन्ते जहार कृष्णो दुषिताम समीचिताम। उन्होंने भगवान को अपने पति रूप में मांगा कि हे देवी माँ, आप तो जानती हैं मैं सिवाय श्री कृष्ण के और किसी को नहीं चाहती। देवी ने आशीर्वाद दिया और मंदिर से बाहर निकल करके देखने लगी, तब मंदिर के पास में एक रथ खड़ा है। रथ बगल में ही आकर के लगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, देवी इस रथ पर आपका स्वागत है। और रुक्मिणी आकर के रथ में चढ़ी और कहा, प्रभु आज तक इस रथ की बागडोर आपके हाथ में थी, अब इस रथ की बागडोर मेरे हाथ में दो। इस रथ को मैं चलाऊंगी, आप पिछले भाग में बैठें, नहीं तो कल कोई आपको दोष देगा कि रुक्मिणी को कृष्ण लेकर के भाग गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जब तक व्यक्ति अकेला होता है तब घर रूपी रथ की बागडोर उसके हाथ में होती है, जब विवाह हो जाता है, पत्नी आ जाती है, तब घर की बागडोर पत्नी को सौंप दे और पति बाहर के काम में रह जाए। घर की बागडोर पूरी सब पत्नी के हाथ में, जैसा चला चाहे उसी के हाथ में। मनुष्य तो केवल बाहर से कमा करके लाए और दे, घर की बागडोर पत्नी के हाथ में वो संभाले, वो चलाए।
श्याम सुंदर से जैसा कहा सब देखते रहे, दास दासी किसी ने कुछ नहीं कहा, सब श्याम सुंदर की ओर को देखते रहे। सबको श्याम सुंदर ने मोहित कर दिया। जैसे ही रथ में बैठ करके रुक्मिणी रथ को हांकने लगी और दूर रथ चला गया, श्याम सुंदर ने अपना शंख बजाया कि कहीं कोई ऐसा ना कहे कि कोई चोरी करके ले गया, मैं सबको आवाज दे करके सूचना दे करके और ले जा रहा। सब दौड़ करके सबने देखा, अरे ये तो रुक्मिणी कृष्ण को ले गई। तब दौड़ करके भाग करके आए और कहने लगे कि ले गया ले गया ले गया। कोई कहने लगे कि ले गई ले गई ले गई ले गई। सब कोई कह रहा कि ले गया, कोई कह रहे ले गई ले गई। सब दौड़ करके आए, कहा क्या हुआ? कोई कह रहा कि कृष्ण रुक्मिणी को ले गया, कोई कहता था कि रुक्मिणी कृष्ण को ले गई। शिष्यपाल दंत भक्त जी सब भौमासुर कहने लगे, चलो हम उसे घेरेंगे पकड़ेंगे मारेंगे। रुक्मिणी ने कहा, हो ले गई ले गई ले गई ले गई, हो ले गई ले गई रे हमारो रथ, हमारो रथ, हमारो रथ घुमाने ले गई रे, 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 हो ले गई 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 ले हमारो मन जगो, हमारो मन मोहन ले गयो रे, हमारो मन मोहन ले गयो रे, हमारो मन मोहन ले गयो रे, हमारो मन मोहन ले गयो रे। रुक्मिणी की रक्षा के लिए शिष्यपाल दंत वक्र भौमासुर अनेक बचाने के लिए तैयार हुए। तब रुक्मिणी ने कहा, ठहरो अभी तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता, अभी तुम्हारे साथ में शादी नहीं हुई है, इसलिए मेरी बहन है, मैं जाता हूं और मैं अपनी बहन को लेकर के आता हूं और उस कृष्ण को मैं मार डालूंगा। अगर मैं कृष्ण को पराजित करके अपनी बहन को नहीं लाया तो मैं इस नगर में वापस आकर के मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा प्राण लेकर के रुक्मिणी जाता है सेना सजा करके, श्याम सुंदर को आगे से घेर लेता है और कहने लगा, हे कृष्ण अब तू कहां जाएगा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू मेरी बहन को लेकर के भाग रहा है चोर। श्याम सुंदर ने कहा, मैं तो बैठा हूं रथ में, मैं किसको ले जा रहा हूं, देखो तो सही रथ को कौन चला रहा है। कहा, तूने मेरी बहन को भ्रमित कर दिया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। श्याम सुंदर और रुक्मिणी के साथ में युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की सारी सेना को परास्त कर दिया, रुक्मिणी को बंदी बनाया, अपने रथ से बांध लिया, उनके सर को मड़वा दिया, उनके मूछों को मड़वा दिया, उनका अपमान किया। तब बलदेव आते हैं तो कहते हैं, कन्हैया ये क्या कर रहा है, अरे कोई रिश्तेदारों के साथ में ऐसा काम करता है कोई, भला छोड़ इसको। मारने के लिए हुए तो रुक्मिणी ने बचा लिए, कहा गोविंद ये मेरा भाई है, इसने मुझसे बहुत प्रेम किया है, इसलिए इसको मारो मत। तब श्याम सुंदर ने उसे रथ से बांधा, अपमान किया, बलदेव ने आकर के उसे छुड़वाया, कहा कन्हैया ये अपना कैसा भी है रिश्तेदार है, रिश्तेदार के साथ में ऐसा नहीं करते, और उसे छुड़वा दिया। श्याम सुंदर रुक्मिणी को लेकर के द्वारका आते हैं, द्वारका में बड़ी धूमधाम से विवाह करते हैं और रुक्मिणी ने वही
अपने नगर वापस नहीं गए। चक्रे भोज कटम नाम निवासायामेशपुरमः, उन्होंने भोजकट नाम का नगर बसाया और अपने नगर में वापस नहीं गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जाओ, विवाह हुआ, विवाह में सभी जाकर के सम्मिलित हुए। कुछ समय आता है, रुक्मिणी के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है और शंबरासुर को वरदान था कि जो कृष्ण के पुत्र होगा जो वो तुझे मारेगा। शंबरासुर ने जाना कि अब कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ में, उनका पुत्र मुझे मारेगा। एक दिन शंबरासुर आया, शंबरासुर उस पुत्र को हरने के लिए आता है और नारद जी से सहायता मांगते हैं। देवऋषि तुम तो जानते हो, मेरी मदद कर दो। द्वारिकापुरी की सुरक्षा में चक्र सदैव घूमता रहता था, चक्र को नारद जी ने भ्रमित कर दिया। कहा, हे सुदर्शन, तुम कभी संतों का सत्संग किया करो, संतों की वाणी को सुना करो, सदैव घूमते रहते हो, कभी अपना भी तो सोचा करो। थोड़ा भ्रमित किया तब तक शंबरासुर प्रद्युम्न को उठा करके और ले गया और लेकर के उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने उसे निगल लिया। भगवान की यहाँ कृपा होती है, वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। एक धीमर ने उस मछली को पकड़ा और मछली बड़ी थी, राजा शंबरासुर के रसोई में भेज दिया गया। वहां उसके रसोई ने उसको क्रिया की तो उसमें एक बालक निकला। उन्होंने सोचा कि हमारे कोई संतान नहीं है, इसी का पालन पोषण करेंगे, ये परमात्मा ने हमको दिया। मायावती और शंबरासुर दोनों निश्चिंत हो गए। रसोई ने उस पुत्र का लालन पालन किया। वहां रति भी, जो भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया, तब रति को वरदान दिया कि जाओ, भगवान कृष्ण के यहाँ तुम्हारा पति जन्म लेगा और शंबरासुर के यहाँ तुम्हें प्राप्त होगा। तब से वो भई रहने लगी। उन्होंने जान लिया कि ये मेरे पति है। उन्होंने मदद की, नारद जी ने और भानुमती ने, सब ने उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखा। समय आया, शंबरासुर का प्रद्युम्न के द्वारा वध कराया। इधर पुत्र का हरण होता देख रुक्मिणी बहुत चिंता करती है, बहुत व्याकुल होती है। नारद जी ने समझाया, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र समय के कुछ समय के बाद में आकर के मिलेगा। जब जैसे ही शंबरासुर को मार करके और रति को साथ लेकर के प्रद्युम्न जाते हैं, प्रद्युम्न कहते हैं कि हमारे माता पिता हमें कैसे पहचानेंगे, अगर कोई पहचान कराने वाला होता तो अच्छा होता। श्री नारद जी जाते हैं, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, 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 नाराय
जी ने वो द्वारकापुरी में सब जाकर के विवरण सुनाया कि तुम्हारा पुत्र यहाँ से आता ही नहीं था कि हमारे मेले में कोई है या नहीं। कुछ समय व्यतीत तो हुआ, समय आने पर उषा का हाव भाव गुहार विचार अलग लगा। तब विचार किया इस लड़की का शरीर और कर्म अलग दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इसके पास है। तब जाकर के देखा तो वह अनिरुद्ध को पाया। बाणासुरों ने अनिरुद्ध को अपने कारागृह में बंद कर दिया। जैसे सोरेतपुर में आकर के उन्होंने बाणासुर को युद्ध के लिए ललकारा, कहा मेरे नाती को छोड़ दो नहीं तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। बाणासुर भगवान भोलेनाथ का भक्त था। एक दिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति की भगवान भोलेनाथ ने कहा बाणासुर वरदान मांग लो। बाणासुर ने कहा तुम मेरी नगरी की और मेरी रक्षा करोगे। तब युद्ध में स्वयं भगवान भोलेनाथ आए, भगवान श्याम सुंदर से युद्ध हुआ। जैसे युद्ध हुआ भगवान भोलेनाथ ने ज्वर छोड़ा, श्याम सुंदर ने शीत ज्वर छोड़ा, अनेक अस्त्र शस्त्र छोड़े गए। श्याम सुंदर के शीत ज्वर के मारे भगवान भोलेनाथ की सब सेना भाग गई। भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांकनी बेताल सब भाग गए। जब जैसे श्याम सुंदर बाणासुर को मारने के लिए तैयार हुए तब तरमाता कोटरा नाम न्याग्रयम् मुक्ति शिरोरुहा पुरो अवस्थते कृष्णस्य पुत्र प्राणरिरचया। जैसे उसकी माता कोटरा ने देखा कि अब ये मेरे पुत्र को मारने वाले हैं, तो उन्होंने वस्त्रों को फेंक करके सामने श्री श्याम सुंदर के नर्वस्त्र खड़ी हो गई। श्याम सुंदर अपना मुख पीछे को फेर करके खड़े हो गए, तब तक बाणासुर भाग गया। जब भगवान भोलेनाथ ने कहा बाणासुर ये प्रभु हैं, इनसे कोई पार नहीं पा सकता, तुम अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ में कर दो। तो बाणासुर मान गया, अपनी बेटी का विवाह किया, विदाई की। श्री सुकोवाचय एकदो पवनम राजनम जगमोर्य दुकर्महारका विहरतम साम्य प्रधूमनाचरो भानुगदादया। उनका विवाह हुआ, विदाई की। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन द्वारकापुरी के पास में एक बहुत बड़ा कुआ था, उसमें एक गिरगिट बहुत बड़ा करकेटा डरा हुआ था। ग्वाल बालों की गेंद उस कुएं में चली गई। जब देखा कि वहां उसमें एक करकेटा बहुत बड़ा है, तब सबने जाकर के भगवान से कहा प्रभु उस कुएं में इतना बड़ा भयानक गिरगिट है, ऐसा कभी नहीं देखा। भगवान जान गए ये मेरा भक्त नरक है, इसको पहले दो ब्राह्मणों ने श्राप दिया। तब महाराज परीक्षित कहते हैं प्रभु श्राप कैसे दिया। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन राजा नरक था, वो बहुत गायों का दान करता था। नृगो नामं नरेंद्रो अहमिच्छ्वा कुतनयो प्रभु दानेष्वाख्यायं मानेशो यदि ते कर्णस्वं प्रसमः। वो अनेकों गाय को दान देता था। एक दिन एक गाय को दान दिया और वो गाय छूट करके बाकी घर से भाग करके और खिड़क में आकर के आ मिली। दोबारा उस गाय का दान फिर हो गया। वो गाय ढूंढने ढूंढता हुआ वो आया और वो गाय दूसरा ले गया, उसके पास पहुंच गया। उसने कहा भैया ये गाय तो मेरी है,
उसने कहा ये गाय तो मुझे दान में अभी कल मिली है, मैं लेकर के आया हूँ। उसने कहा ये गाय मुझे परसों मिली थी। दोनों राजा के पास जाते, राजा से जाकर के कहा राजन ये गाय परसों तुमने मुझे दान में दी, अब जो हजारों लाखों गायों को दान करता है उसे क्या ध्यान रहता है कि कौन सी गाय कब किसको दान में दी। वहां तो मंत्री या उनके व्यवस्थापक लाकर के देते जाते हैं और वो दान करते जाते हैं। एक ने कहा ये कल मुझे गाय दान में दी। राजा ने कहा भाई तुम एक काम करो, ये गलती से हो गया, तुम एक गाय के बदले जितने गाय चाहो उतना ले जाओ। दोनों से कहा तुम इसे गाय दे दो, तुम और ले जाओ ना, मैं तो अपनी कोई लूंगा। उससे कहा भैया तू और ले जा ना, मैं भैया ले लूं। अब आप सभी बताएं ये कोई विद्वता होती है, इनको कोई विद्वान कहेगा कि नहीं मुझे वो तो भूई चाहिए। किसी का कोई काम बिगड़ गया, टूट गया, फूट गया, फिर वो कहे वो तो भूई चाहिए, क्या इनको विद्वान कहोगे, ब्राह्मण कहोगे? किसी का कोई आदमी मर गया मुझे तो भूई चाहिए, किसी की चीज नष्ट हो गई मुझे तो भूई चाहिए। अरे गलती से कोई काम हो गया, हाँ भैया तो बाकी संतुष्टि तो करो, मन तो समझाओ। जब राजा गलती माना कि भाई हो सकता हो गया, परंतु अब एक ही दो ले जाओ, दस ले जाओ, हजार ले जाओ, नहीं मुझे तो वही चाहिए। अब दोनों ही एक भाई बात पर अड़े रहे, तब वो राजा क्या न्याय करेगा। वह उसने कहा ये गाय परसों तुमने मुझे दी, हाँ अब मने तो नहीं करता कि मैंने नहीं दी। और उसने कहा ये गाय कल मुझे दी, हाँ अब ये दोनों कहे कि हमारे साथ में न्याय करो। अब बताओ क्या न्याय हो सकता है, कोई और दूसरी लेने को तैयार नहीं। अब दोनों यही कहे कि मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, तो अब अगला आदमी कौन सा न्याय करेगा। राजा कहता रहा हाँ हाँ, दोनों शराब ले लिए जाओ, तो करकेटा के जैसे नारे ला रहे हो, जाओ प्रकट हो जाओ। कोई आदमी गलती में फंस गया उसका निवारण करो, विद्वान तो उसे कहते हैं, समाधान करो। नहीं उसे शराब दे दिया, गाय चाहिए तो मुझे वही चाहिए, अब शराब दे करके कहा तुम्हें गाय मिल गई। जब उसको शराब दे दिया, वो तो भगवान का भक्त था, स्वर्ग में गया, धर्मराज ने कहा भैया तुम्हारा पुण्य तो बहुत है, थोड़ा सा पाप है, उसे किसको भुगतना चाहोगे। राजा ने कहा कि जब मेरा पाप थोड़ा सा है तो बस वह थोड़े से पाप ही भुगत लूं, पहले पुण्य बाद में भुगतता रहूंगा। आज मनुष्य से कहा जाए कि पहले सुख लेओगे दुख